हाय गाइस, तो आप लोगों ने जैसे कि मैं लाइव आई थी यूट्यूब पर, तो कल बोला था कि आप डेली ब्लॉग स्टार्ट करो, हम आपके साथ हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों ने जो कॉन्वर्जेशन में मुझे इतना सपोर्टिवली बात की, इतना सपोर्ट दिखाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस सुन के इतना मोटिवेशन आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो आप टॉपिक पकड़ लेते हैं और हम हमेशा से अब डेली ब्लॉग ही करेंगे। आप लोग भी मुझे दिल्ली की चीजें बताया करो कि दिल्ली में कहाँ कहाँ जाकर मैं ब्लॉग बना सकती हूँ। तो चलिए, आज का जो प्लान है, अभी 11:30 के थोड़ा सा ऊपर हो गया है टाइम सुबह के। मेरा ब्रेकफास्ट अभी 5-10 मिनट पहले ही हुआ है, लेट हो गया आज क्योंकि मैं घर पर भी बहुत कॉल पे बात कर रही थी, फिर मेरी कजिन सिस्टर रुखसार दीदी से भी बात हो गई, काम करते करते ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मैं बात ही कर रही थी, तो अब मैं जा रही हूँ। सो गाइज, आज ना मैं जाने वाली हूँ मॉल दिल्ली का। एक बार ही मैं एक मॉल गई थी, मुझे याद भी नहीं है उसका लोकेशन वगैरह, मतलब मुझे याद ही नहीं रहता, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, यहाँ पे 3 मंथ्स ही तो हुआ है, कहाँ से इतना ज्यादा पता रहेगा, जगह के नाम बार बार याद रहेगा। तो यहाँ पर मेंशन करूंगी कौन से मॉल गई थी। अब जो मैं जा रही हूँ वो G3S मॉल है कोई, वहां जा रही हूँ। तो देखते हैं, क्योंकि मुंबई में मैं काफी मॉल वगैरह जाया करती थी, वहां से बहुत करीब भी था मेरे घर से, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कुछ पता भी नहीं रहता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ का भी मॉल थोड़ा घूम लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के मॉल है, अलग अलग अच्छे अच्छे मॉल्स है, मैंने काफी सर्च किया था, तो आप लोग भी बता दिया करो। और मैं चलती हूँ, फिर नहाने के लिए जा रही हूँ और उसके बाद मैं निकल के फटाफट रेडी होगी, एंड देन उस टाइम पे आप लोग से मिलती हूँ। जब तक के लिए आप लोग मेरा पूरा व्लॉग एंड तक देखना, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगी। फिर मुझे एक बर्थडे पार्टी है, मतलब मेरे फैमिली मेंबर ही है उनका है, तो मैं वहां पर भी जाऊंगी बाद में, मॉल के बाद आफ्टरनून में। तो आप लोग से आज का मैं जो रूटीन है वो शेयर करूंगी, तो बने रहिए व्लॉग में। ये देखिए गाइज, मैंने ये पहना है लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है। ये कम्फर्टेबल तो बहुत है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पे सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि पीछे थोड़ा सा पीछे एकदम ऊपर है ना ये, तो पता नहीं कैसे ही लगता है। कोई नहीं, देखते दूसरा कौन सा ड्रेस है मेरे पास, मतलब अभी अवेलेबल तो यही वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा मुझे खुद के लिए। इंडियन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, इंडियन जितना पहन लूँ उतना मेरा मन नहीं भरता, देखते हुए इंडियन में कुछ मिले तो, वरना फिर यही पहन के जाना पड़ेगा। ओके, हम पहनेंगे ये वाला वन पीस, लेकिन ये फुल पीस हो जाता है मुझे, बिकॉज आप लोग तो समझ ही सकते हैं क्या पहनूं मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पैंट और टॉप में कुछ नहीं है पहनने, तो गाइस इतनी कंफ्यूजन होती है, सब फुल फुल कपड़े हैं ना, ये तो मुझे फुल हो जाएगा, वन पीस की तो बात ही नहीं है। ये देखिए गाइस, ये मैंने पहन लिया है, ऐसे मैं रेडी हो चुकी हूँ। और मैंने मेकअप सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाया, आईब्रो सेट किए, मस्कारा तो लगाया नहीं, लिपस्टिक लगाई है और उसी को ब्लश कर दिया, बस हो गए मैं रेडी। और मैं पोनी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरे से अगर मैं बाहर ब्लॉग बनाऊंगी तो बाल ऐसे उजड़े हुए दिख रहे, वो नहीं हो पाएगा, इसीलिए हेयर ओपन करके मैं जा रही हूँ। पता नहीं गर्मी तो होगी, गर्मी तो है ही दिल्ली में, तो बस निकलती हूँ मैं। मैंने इसके बटन लगा लिए, पहले तो बटन ही नहीं लगते थे, मेरा वेट सच में लूज हुआ है, ऐसे हो गया है कि 65 से 58, यानी 65 से 58 पे आ चुका है। तो आप लोग सोचो सिर्फ 3 महीने में, और दिल्ली आने के बाद मतलब मेरा वेट मतलब ज्यादा होना चाहिए था। मोमोज वगैरह भी खाए मैंने, बहुत कम से कम खाए हैं, क्वांटिटी बहुत कम ली है कभी भी, तो लेकिन मेरा ये बटन नहीं लगता था, बिल्कुल नहीं लगता था, पता नहीं कैसे लगा है तीनों बटन। खैर ठीक है गाइज, निकलती हूँ मैं अभी जल्दी से, बहुत लेट हो रहा है। मैंने आईलाइनर भी लगा लिया और थोड़ा सा ब्लश भी लगा लिया, पाउडर ब्लश यस। और अपना पर्स ले लिया है मैंने, ये रही हमारी की, पास वाले घर में काम चल रहा है, इतना अच्छा रूम बनाया मैं क्या बताऊँ, बताती हूँ मैं रास्ते में मिलती हूँ। दो और मोबाइल थे मेरा, मैंने लिया ही नहीं, चलो ये तो पीछे बन गया है थोड़ा। सो गाइज, मैं G3S मॉल सर्च करके आई थी, मुझे लगा था मॉल होगा लेकिन वैसा कुछ नहीं था। मैंने गेट नंबर 2 से एंट्री ली तो विशाल मेगा मार्ट में एंटर हो गए, यहाँ पे 15 अगस्त के सेल लगे हुए हैं, ये सब चेक कर रही थी मैं, लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मुझे तो महंगे ही लग रहे थे ये 299 के पर, 799 के, और भी काफ़ी अलग अलग प्राइस में थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये सब महंगे हैं, क्योंकि मैं ऐसा विशाल मेगा मार्ट से या रिलायंस स्मार्ट से कभी नहीं शॉपिंग करती हूँ, मैं स्ट्रीट शॉपिंग ही करती हूँ और लोकल मार्केट से शॉपिंग करती हूँ, तो मुझे इसलिए लग रहा होगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं समझ आ रहा था यहाँ पर,
तो मैंने एक क्यूट सी चीज़ें सब चेक करने लगी, क्योंकि हम एक बैग ले लो उसमें सब कुछ आ जाता है लेडीज़ का सामान, तो इसमें क्या ही रखेंगे, बस क्यूट लग रहा था, ले सकते हैं पसंद करने वाले। और यहाँ पे 99 के थे वो क्यूट वाले, और ये 199 के भी रखे हुए हैं। और फिर यहाँ पर मुझे एक क्यूट सा और एक दिखा, लेकिन क्या ही मतलब है लेकर के, बस विंडो शॉपिंग में अच्छी खासी कर रही थी, ये सब मेरी विंडो शॉपिंग हो रही है। तो बस इसके बाद मैं आ गई फुटवेयर के कलेक्शन में। मैं फ्लैट नहीं पहनती हूँ, ऐसे शूज़ भी नहीं पहनती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पैर दर्द होते हैं, शूज़ तो एक टाइम पर चल भी जाते हैं, तो मैं थोड़ी हील्स ही प्रेफर करती हूँ। यहाँ पर मैं आ गई हूँ चेंजिंग रूम की तरफ, और मैंने यहाँ पर अपना रुख मोड़ लिया। अब मैंने यहाँ पर कुछ टॉप्स चेक किए, ये फर्स्ट वाला है जो कि मुझे नहीं इतना खास लगा, नहीं अच्छा लगा। और फिर ये वाला हॉस्पिटल लुक दे रहा था, अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ये भी कुछ उसके जैसा सिमिलर था, अंदर फ़ैन भी नहीं था चेंजिंग रूम में। सीरियसली ये जो मैंने देखा ना, ये मतलब ऊपर से नीचे आस्तीन होती है, ये एकदम से ऐसा लग रहा था ऑपरेशन के लिए जा रहा है कोई। तो ये था पूरा एरिया G3S मॉल का। यहाँ पर सिर्फ डिवाइडेड है शॉपिंग के जो है ये मॉल वगैरह छोटे छोटे, और यहाँ पर फूड स्टॉल्स भी थे, तो ये सारे लोगों जो लगे यही सब थे यहाँ पर। ये ले लिया मैंने गाइस पीने के लिए, और अब मैं आ गई हूँ घर। बाप रे गाइस, मुझे लगा था वो मॉल जैसे पूरा मॉल होता है ना वैसे होगा, लेकिन वो एक मॉल की तरह ही था। बताती हूँ हाफ दे मैं थर्ड फ्लोर चढ़ के, और चार बार सीढ़ी है, एक दो तीन बार है, कुछ चार है चार। ये देखिए गाइस कैसी काली कलोटी हालत हो गई है, बाप रे इतना गर्मी है बाहर, ओ माई गॉड। और ऊपर से मैं पहन के क्या गई हूँ, डेनिम, कुछ ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। लेकिन मैं सरोजनी नगर मार्केट जाऊंगी और वहां से जरूर शॉपिंग करके आऊंगी। मैं 2 साल पहले से सोचती थी सरोजनी मार्केट, बट फाइनली मेरा वो दिन आ रहा है, मैं जाऊंगी कुछ 2 दिन बाद, 1 दिन बाद जाने वाली हूँ। ओफो, आइए बैठ के बात करते हैं। आहा, क्या ही 10 वाली बॉटल ही है, इस तरफ खुली नहीं थी, हम दूसरी भी बॉटल लेते हैं बेचारी, कोई नहीं, से टेस्ट करते हैं। हाँ, मजा आ गया गाइस, सीरियसली तो लिमका की तरह ही है। मैंने लिमका मांगा था लेकिन लिमका नहीं था, इग्नोर, बैकग्राउंड बहुत नॉइजी है। ये अच्छा है अरोरा लेमन, लेकिन मैं ये सब ज्यादा कंज्यूम नहीं करती हूँ। जब से मैंने डाइटिंग स्टार्ट करी है और मैं हेल्थ पर बहुत ज्यादा खाने पीने पर ध्यान देने लगी, तब से मैं नहीं पी रही थी, बट आज मैंने लिया है, लेकिन अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, तो भाई मैं तो आ चुकी हूँ घर में, बहुत खराब हालत हो रही है बाहर। बस ये था कि मुझे लगा ये G3S मॉल होगा, लेकिन यहाँ पे मॉल जैसा मतलब पूरा, उन लोगों ने उस गेट नंबर के अंदर, 2 गेट से उस गेट के अंदर पूरा जो है फूड स्टॉल से लेकर के सिनेमा, KFC, पता नहीं ये सबको तो छोड़ ही दो, तो वही सब है, खाने पीने के जो ब्रांड वगैरह है वो सब है वहाँ पे, सिनेमा वगैरह था। मुझे एक आवाज मीडिया भी वहाँ पे पता लगा, तो मैं वहाँ पे मार्केटिंग एजेंसी में बात करने तो गई थी, लेकिन वहाँ पर आज कोई नहीं है। मैंने देखा जाके, कब से मुझे भटका दिए थे कि नहीं मैडम ये साइड है वो साइड है करके मुझे भटका दिए थे, मैं मतलब ढूंढती रह गई, लेकिन बाद में पता चला सिनेमा के अंदर ही था। बाकी वहाँ पर रिलायंस स्मार्ट था, और जैसे कि आप लोगों मैंने दिखाया है ब्लॉग में, लेकिन अब मैं घर आ चुकी हूँ। कुछ टाइम बाद में जब जाऊँगी, मैं गई थी अपने इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए, तो वो तो मेरा हो चुका है, वो मैंने ज़्यादा शेयर नहीं किया यहाँ पे, बस बता रही हूँ। बट सरोजनी नगर मार्केट का वीडियो आप लोगों को चाहिए कि नहीं जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, नहीं भी चाहिए होगा तो मैं तो जाने ही वाली हूँ, तो वीडियो तो बनाऊंगी, लेकिन कमेंट करके बताओ जो दिल्ली से हो गए तो यहाँ पर ये बताओ कि सरोजनी नगर मार्केट का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं तो फर्स्ट टाइम जाने वाली हूँ, मैं वहाँ पे चैलेंज भी रखूंगी कि कितने रुपए में मैं शॉपिंग कर सकती हूँ वहाँ से, तो लेट्स सी गाइस, देखेंगे। मैं लंच तो नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने पराठा खाया था ब्रेकफास्ट में मिनिमम ऑयल के साथ, तो इसीलिए मैं अब कुछ भी नहीं खाऊंगी। मैं डायरेक्ट अब खाऊंगी डिनर, जो कि 7:30 तक मैं कर लूंगी, सोया उबाल करके उसको चाट वगैरह, क्योंकि मैंने यही सब खाया है, एकदम मजा आ गया। और हाँ, विशाल मेगा मार्ट में भी मैंने जाकर विंडो शॉपिंग की। एक्चुअली मैं पता नहीं, इस टाइप के टॉप्स वगैरह जो मैंने वहां ट्राई किए वो पहनती नहीं हूँ, और वो अच्छे तो लगते हैं मुझे, कम्फर्टेबल भी बहुत थे, लेकिन यहाँ पर जो मुझे रेट में मिला था वो उससे कम रेट में मुझे सरोजनी नगर मार्केट में मिलेगा, तो मैंने आइडिया लगा लिया है, मैंने देख लिया है मुझे कैसे लेना चाहिए, तो मैं सरोजनी नगर मार्केट से जरूर लूंगी, तो इसीलिए वेट कर रही हूँ, बस 1 दिन बाद मैं जाऊंगी।
तो ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को बताना जरूर। डेली ब्लॉग आप लोग बोलते बनाना, तो ये छोटा सा ग्लिम्स मैंने जो है आप लोगों के साथ शेयर किया, समझना ऐसे ही। बाहर का कुछ नहीं खाया मैंने, सिर्फ ये पिया है जो कि मुझे नहीं पीना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, आज का दिन चल गया, हमेशा नहीं चलेगा। एक महीना जिम भी मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैंने मतलब घर में भी बहुत किया था जिम, मतलब एक जगह मैंने खड़े रहकर भी रनिंग की है, इतनी स्वेटिंग भी हो रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी घर में रहकर कर ही सकती हूँ। तो इसीलिए बाकी आगे के जो एक्सरसाइज है, वर्कआउट है, वो सारे घर में ही होंगे, और डाइटिंग तो चली रही है अच्छी खासी। तो बस फिर कैसे लगा ये ब्लॉग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। इस वाले ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर दो, बताओ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्लॉग को लेकर के, बिकॉज रिएक्शन वीडियो पर भी मैं आ जाती हूँ, अब यहाँ पर भी बोलती हूँ, लाइव आकर भी बोला था लेकिन यहाँ पर बोलने में ज्यादा बेटर है। प्लीज एंड तक वीडियो आप लोग देखा करो, कभी कभी बीच में कुछ ना कुछ बात जो है मैं ऐड करती हूँ, तो ये लास्ट में कर रही हूँ। तो रिएक्शन वीडियो में येलो डॉलर्स ही शो हो रहे हैं बड़े क्रिएटर्स के, अगर मैं वीडियो यूज करके बना रही हूँ तो। मैं तो रिएक्शन इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि सारी ऑडियंस रिएक्शन की है, लेकिन अब कोई मतलब नहीं, येलो डॉलर्स शो हो रहे हैं तो मैं नहीं बना सकती, बार बार येलो डॉलर हो रहा था, इसलिए मैं अपना ओरिजिनल कॉन्टेंट ही डालूंगी, क्योंकि येलो डॉलर से अर्निंग नहीं होती है, लिमिटेड रेवेन्यू होता है लेकिन कुछ ज्यादा ही लिमिटेड होता है। तो यूट्यूब बेचारे जो है मेरे साथ बहुत मतलब ऊट पठान करने के चक्कर में, तो इसीलिए मैं अभी से अलर्ट हो चुकी हूँ। येलो डॉलर का हमें मामला नहीं चाहिए, कॉपीराइट का भी नहीं चाहिए मामला, क्योंकि अगर मैं सॉन्ग पे रिएक्ट करूंगी तो कॉपीराइट तो आएगा ही, साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड ब्लॉक करके भी एक ऑप्शन आ जाता है जहाँ से वीडियो जो है प्ले ही नहीं होती। ओके बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। ये देखिए गाइज, मैंने कर दिया रिंग लाइट ऑन और मैंने फिर से जैकेट पहन लिया ताकि मैं रील बना सकूँ।